स्वास्थ्य विभाग ने रेबीज नियंत्रण, क्लाइमेट चेंज से स्वास्थ्य पर प्रभाव और IDSP की एनुअल रिपोर्ट की 3 बुक तैयार की है। तीनों ही बुक का विमोचन कलेक्टर आशीष सिंह से कराया गया। इन बुक से आने वाले समय में मरीज के उपचार में आसानी होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीमारियों के नियंत्रण में डेटा महत्वपूर्ण होता है। यदि विभाग और डॉक्टर को मरीज और बीमारी से संबंधित सही डेटा की जानकारी हो तो उपचार आसान हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिला स्वास्थ्य विभाग ने नवाचार करते हुए 3 हेल्थ बुक तैयार की है, जिसमें रेबीज कंट्रोल को लेकर अब तक के लिए किए गए प्रयास, प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या, श्वान के काटने के बाद होने वाले प्रभाव का डेटा तैयार किया गया है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी बीमारी के मरीज सामने आ रहे हैं, दिए गए उपचार का क्या असर हुआ, इन सभी बातों की जानकारी दूसरी हेल्थ बुक में है, जबकि IDSP की एनुअल रिपोर्ट के रूप में तीसरी हेल्थ बुक तैयार की गई है। तीनों बुक का विमोचन इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के हाथों कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया के अनुसार बीमारी से संबंधित सही जानकारी हो तो उपचार आसान हो जाता है। प्रदेश में पहली बार यह नवाचार किया गया है। बिल्कुल, आज अपने कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है हमारी 3 बुक्स तैयार हुई थी, जिसमें एक IDSP की थी, जिसमें कि हमारा एनुअल सर्वे रिपोर्ट है, उसमें सारी चीज़ें हमारे कितने डाटा वगैरह, अलग अलग डिजीज़ के कितने डाटा है, क्या किस तरह से हम सूचांक वगैरह है, तो हमारे सारे डाटा उसमें हमारी एनुअल रिपोर्ट तैयार हुई है। इसके अलावा एक हमारी बुक तैयार हुई है, जिसमें कि इंदौर के लिए हमारी पर्यावरण पे है, जो क्लाइमेट चेंजेस में थे कि उसमें पर्यावरण से संबंधित क्या क्या डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या संबंधित सारी चीज़ें उसमें हमारे इंदौर में क्या क्या है, उस सारी चीज़ें उसमें हमारे पर्यावरण और क्लाइमेट चेंजेस वाली बुक है उसमें है। इसके अलावा तीसरी बुक हमारी है वो है रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम से, कि यहाँ पर हमारे काफ़ी केसेस जो डॉग बाइट के रहते हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी क्या परेशानी आती है और इस तरह से रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और डाटा वगैरह, तो ये तीनों बुक है वो इंदौर से हमारे ज़िले के डाटा इकट्ठे होंगे और इससे हमको ये है कि आगे फ्यूचर में किस तरह से किसी भी डिजीज़ पे, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, इन बीमारियों पे किस तरह से कंट्रोल, आज हमारी क्या कंडीशन में है और आने वाले समय में किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित है। और ये आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हमें प्रकाशन के लिए हमने ये किया है और इसके बाद ये रिपोर्ट हमारी स्टेट पे भी जाएगी। और ये कि इंदौर के लिए हमारे पहला हम लोगों ने नवाचार किया है कि कम से कम ये एनुअल रिपोर्ट इस तरह से तैयार होगी, तो हम जिस तरह से हमारी ये 3 बुक तैयार हुई है, इसी तरह हम लोग आगे चल के मेटरनल हेल्थ पे भी इसी तरह की बुकलेट और एनुअल रिपोर्ट भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये है कि फ्यूचर में हमारे को क्या डिजीज़, जो अगर कोई डिजीज़ वगैरह है उसको के डाटा अगर हमारे पास रहेगा तो आगे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या करना है, तो डाटा तैयार, मेन चीज़ हमारे डाटा, इसमें सारी चीज़ें। इंदौर जिला स्वास्थ्य विभाग जल्द ही मातृ शिशु स्वास्थ्य पर भी एक हेल्थ बुक तैयार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MB News, इंदौर।